हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई नो काफी लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि भाई इतना लेट वीडियो क्यों। आई एम सॉरी बाबू, क्योंकि यार देखो थोड़े से इशू थे, इसी चक्कर में वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, बट कल से रेगुलर वीडियो आएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं टॉप 5 अपडेट के बारे में कि आज के दिन कौन कौन से हाईलाइट अपडेट हैं। उसी के साथ बात करेंगे एक रूमर के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है रिलीजिंग डेट को लेके। सोनी और मार्वल के संबंध के बाद कुछ मूवीज आ रही हैं जो कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं जा रही हैं, फिर भी लोग उन्हें दिल पे हाथ रख के देख ही रहे हैं, जैसे कि मॉर्बियस। तो आने वाले टाइम में दो अपकमिंग मूवीज और थी साल 2023 में जिनकी रिलीजिंग डेट को चेंज कर दिया गया। तो पहले नंबर पे जो रिलीज हो रही थी जनवरी के महीने में 13 तारीख को, वो थी क्रेविन द हंटर। उस मूवी की अब रिलीजिंग डेट को चेंज कर दिया है और अब ये वाली मूवी रिलीज होने वाली है 6 अक्टूबर 2023 में। देन सेकेंड मूवी है मैडम वेब। मैडम वेब रिलीज होने वाली थी 6 अक्टूबर, यानी कि इस डेट को अब रिलीज हुई है क्रेविन द हंटर, और मैडम वेब अब रिलीज होगी साल 2024 में 16 फरवरी को। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है, इससे फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में। तो D23 में एक ट्रेलर रिलीज करा गया था बीयरवुल्फ नाइट, फाइनली इसका फर्स्ट लोग पोस्टर सब चीज़ एवरीथिंग रिलीज कर दी गई हैं। कुछ फैंस ने इसको पसंद करा क्योंकि ये यूनिक ट्रेलर था, और कुछ फैन ने पसंद नहीं भी करा इसे क्योंकि उनको ये ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। बट इसकी रनिंग टाइमिंग कंफर्म हो चुकी है, तो रन टाइम जो होने वाला है इसका होने वाला है 50 से 60 मिनट का, यानी कि लगभग 1 घंटे का। और आपको बता दूँ कि इसका एक ही एपिसोड रिलीज होने वाला है। चलिए बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी की एक मूवी आ रही है कॉन्स्टेंटाइन, जिसमें कीनू रीव्स होने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आया था साल 2005 में, उसी का ये सेकंड पार्ट आ रहा है और वॉर्नर वर्ल्ड्स ने ये खुद कंफर्म कर दिया है। चलिए बात करते हैं फोर्थ अपडेट के बारे में, जो कि है रूमर। तो शांग-ची का दूसरा पार्ट कंफर्म हो चुका है। रूमर के अकॉर्डिंग तो शांग-ची रिलीज हो सकती है 14 फरवरी साल 2025 में। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये भी टाइम के ऊपर मूवी होने वाली है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ अपडेट के बारे में, जो कि आयरन हार्ट से रिलेटेड। तो फाइनली आयरन हार्ट सीरीज की न्यू सेट इमेजेस आई हैं। हमें फुली CGI सूट देखने को मिला है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि अब हमें आयरन हार्ट का एक्चुअल में सूट देखने को मिलेगा, जो कि आने वाली सीरीज या मूवीज में भी देखने को मिल सकती हैं। और सेट इमेजेस आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो गाइज, ये थे वो टॉप 5 अपडेट, और उसी के साथ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा अपडेट्स भी हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर सबसे पहले सुपर फास्ट अपडेट डालता रहता हूँ। तो गाइज, आज के बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।